अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। अदील भाई आप सुनाए, कैसे हैं? बस ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह ताला का, एंजॉय कर रहे हैं आपके सामने और आपकी मेहरबानी है क्या आपने हमें इस ब्रॉडकास्ट में मौका दिया बोलने का। जी बिल्कुल, और इतना अच्छा आपने लोकेशन सिलेक्ट की। हाँ जी, अभी हम मौजूद हैं जी ऑस्ट्रिया वियना में, और ये भी हम दुनाव में मौजूद हैं, और अभी ये भाई तकरीबन एक हफ्ता हुआ इनको आए हुए ऑस्ट्रिया में, और इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा है, और आने में इनसे इनको कौन कौन सी मुश्किल पेश आई हैं ये भी इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अदील भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक शुक्र अल्लाह। अच्छा अदील भाई, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने ऑस्ट्रिया वीज़ा जो प्रोसेस शुरू किया है वो आपका कितने अरसे में कम्प्लीट हुआ है? लाल भाई, इस तरह से है कि मैंने जो अपना प्रोसेस शुरू किया था ना, वो आप ये समझ लें कि फरवरी 2023 में मैंने अपना प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया था, यानी 2023 के दूसरे महीने में आपने स्टार्ट किया है और उसमें अभी हुआ है। हाँ अभी हुआ है, लेकिन उसमें ये इस तरह से है कि फरवरी में मैंने जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट बुक की थी वेरिफिकेशन के लिए, फर्स्ट वेरिफिकेशन के लिए, जो कि मुझे मिली थी कोई 26 जुलाई 2023 की। ठीक हो गया, तो आपको कितनी मुश्किलात पेश आई हैं या कोई खास नहीं आई? नहीं, ऐसे मुश्किलात आप इस तरह से कह लें कि पाकिस्तान के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स रेडी करने का प्रोसेस है सारे का सारा, उसकी वेरिफिकेशन हैं, और आप ये समझ लें कि IBCC है, फिर MOFA है, और ये बाकी सारी चीज़ें, उसमें जो है वो आपको डिफिकल्टीज तो आती हैं जाहिरी बात है, लेकिन ये है कि अगर आप लगे रहें और करते रहें तो फिर हो जाती हैं चीज़ें। मीन आपको पेशेंस थोड़ा रखना पड़ता है, प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ऐसे ही सबर आपको करना पड़ता है। और आप एक और ये चीज़ बताएं कि आपका टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है इधर आने तक, जिसमें आपकी फीस भी इंक्लूड हो, ठीक है, आपकी अकोमोडेशन भी 2 महीने की इंक्लूड हो, उसके अलावा आपका एयरलाइन का टिकट भी इंक्लूड हो, और जितने पाकिस्तान एम्बेसी में अपने अखराजात किए हैं छोटे मोटे, अराउंड बोर्ड आपका कितना एक्सपेंस आया है? अच्छा, उसमें आप ये भी इंक्लूड कर रहे हैं कि जो मैं यहाँ पे अपने साथ कैरी लेके आया हूँ, मतलब वो नहीं, वो निकाल, वो छोड़ के। अच्छा, अगर आप उसको निकाल दें तो फिर जो है आप ये लगा लें कोई 10 से 12 लाख के दरमियान में। 10 से 12 लाख मेरे ख्याल से यूरोप का है, ये 10 से 12 लाख में वीजा बिल्कुल मुफ्त है। मैं वो ऐसे ही है बिल्कुल, क्योंकि अगर आप कंपेयर करें दूसरे यूरोपियन कंट्रीज से, जैसे आपका नीदरलैंड हो गया, ये स्वीडन हो गया, और आपका बाकी जो कंट्रीज हैं उनके साथ अगर आप कंपेयर करें तो इसकी जो फीस है 751 यूरो यूनिवर्सिटी की, वो भी बहुत फिजिबल है, मतलब बहुत कम है बाकी कंट्रीज के मुकाबले में। और बाकी जो एक्सपेंस है एम्बेसी भी आपको काफी जो है वो अकोमोडेट करती है, उसकी फीसिस भी कम है। अभी तो वीजा डी की फीस भी आप ये समझ लें कि जब आप आए थे तब तो जीरो थी, तो हमने जो दी है वो 45,000 मेरे ख्याल से है। नहीं, वीजा डी की फीस हमारी दफा भी थी, आपकी दफा भी थी। अच्छा, मैं समझा कि शायद नहीं, आप उस वाले में आए हैं जिसमें जो है वीजा भी जो एग्जाम हुई हुई थी जी। तो अभी आप क्या सोचते हैं कि फ्यूचर प्लान्स क्या है आपकी, इधर स्टडी करने के साथ साथ आपका काम के हासिल क्या पैशनेट है, आप क्या करना चाह रहे हैं, या इधर अभी आप आए हैं आपको क्या लग रहा है जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी? क्योंकि काफी सारे दोस्तों को ये चीज होती है कि उधर जो दोस्त भी जॉब कर रहे हैं या जॉब मिलने में मुश्किलात आती है नहीं आती, तो इस बारे में आप क्या राय रखते हैं, या मेरे हवाले से आप कुछ पूछना तो मेरे से भी आप पूछ सकते हैं। नहीं, पहले तो मैं अपना बता देता हूँ, मैं इधर जो है वो 29th of August का आया था यहाँ पे, तो आते ही जो है वो थोड़ा सा इशू ये हुआ कि हमारी जो सिबल है हाउसिंग ऑस्ट्रिया वाली, उसने हमें प्रॉमिस किया था कि वो हमें अकोमोडेट करेगी 2 डेज के लिए, जो क्योंकि हमारा 1st of September से था कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा था, तो उसने अकोमोडेट नहीं किया, तो फिर हमें बिलाल भाई ने अकोमोडेट किया 2 दिन के लिए, जो कि इनका बड़ा थैंक्स उसके लिए। उसके बाद से अभी तक जो है अपने अकोमोडेशन में शिफ्ट हो गए हैं, ऑनलाइन अप्लाई वगैरह कर रहे हैं, लेकिन ये है कि मैं ये देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह जिस जब आरपी कार्ड मिल जाएगा ना, तो उसके बाद थोड़ा सा ये है कि इजी हो जाएगा, जॉब आपको मिल जाएगी, जॉब नो डाउट आपको मिल जाएगी, लेकिन ये है कि जब आप नए कंट्री में आते हैं थोड़ा सा आपको सिस्टम समझने में और चीजों को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, थोड़ी सी मुश्किल है। हाँ, ये आप वहाँ से कभी भी मत सोच के आएंगे, आप यहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरेंगे, उतरते साथ ही एक जर्मन जो है वो शेफ आएगा, ठीक है, यानी कि आपका बॉस आएगा और आपको कहेगा जी ये आपका क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट है और आप हमारे साथ फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और इतनी आपकी सैलरी हम दे रहे हैं, ना ऐसा होने वाला है कुछ भी, और ना ही जो दूसरी एक्सपेक्टेशन होती हैं वो आपकी जो है वो इस हिसाब से पूरी होती हैं, लेकिन ये है कि आते ही आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है यहाँ पे सिस्टम को समझने के लिए, लेकिन जब आप थोड़ा सा सेट हो जाएंगे, क्योंकि मुझे अभी वैसे जॉब फर्स्ट नहीं मिली, मैं अभी अभी सर्च आउट कर रहा हूँ, मुझे वैसे आज 1 वीक हो गया है,
तो अभी इंशाल्लाह जो जॉब के हवाले से बात है ना, उसके लिए आपके पास आरपी कार्ड होना जरूरी है। ऐसे ही तो जैसे इनको आरपी कार्ड मिल जाएगा तो ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो 20 आवर्स की एक जॉब है लीगल स्टूडेंट्स के लिए, तो फिर वो ये कर सकते हैं। और मंथली इनकम है ना किसी वाला कार्ड के, वो तकरीबन 840-830 यूरो के करीब है। ये मिनिमम है, ये मिनिमम है। और इसमें आप ये आराम से एक्सपेंसेस जो होते हैं रहने के, खाने पीने के, और भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो है मीट हो जाते हैं। और इसमें से आप 300-400 यूरो इजीली बचा भी सकते हैं, सेविंग भी आपकी हो आराम से। तो आप मेरे से कुछ पूछना चाहो इस हवाले से पूछ सकते हैं। आप ये जो बिलाल भाई हैं आप इनको जानते ही होंगे, ये मतलब यहाँ से 6 मंथ हो गए ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से। आप बिल्कुल 6 मंथ पूरे हो गए, 1 प्लस हो गए होंगे। तो आप बताएं कि मतलब अभी तक जो है जो सबसे डिफिकल्ट डे था आपका इधर वियना में, वो कौन सा था अगर आप शेयर करना चाहें तो? यार इस दिन आपको लगा होगा यार ये डिसीजन जो है ना वो मैंने सही नहीं लिया। देखिए जब मैं आया हूँ इधर तो मुझे लगा यार मैं गलत जगह पे आ गया हूँ, सही, क्योंकि कभी घर से ऐसे निकले नहीं और नई जगह खुद खाना पीना बनाना हर चीज खुद करनी पड़ती है। तो स्टार्ट पे बंदा थोड़ा सा डिसार्ट होता है, तो डिसार्ट आपने बिल्कुल भी नहीं होना, मुश्किल पेश आएंगी आप फेस करेंगे तो उसके बाद आसानी भी आएगी। और मैं ये भी क्लियर करता जाऊँ की जैसे बिलाल भाई जो है ये आज तक अपनी पूरी लाइफ के अंदर जो है वो कभी हॉस्टल में नहीं रहे पाकिस्तान के अंदर भी, ठीक है। और सेम मेरा भी यही सिस्टम है कि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जब तक पाकिस्तान में रहा हूँ, ग्रेजुएशन की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है या बैचलर वगैरह जो भी किया है, तो हमने मतलब घर हमारा नजदीक ही था यूनिवर्सिटीज के, तो कभी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने बहुत हिम्मत दी है और अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा साथ दिया हमारा। तो अभी तक तो सिस्टम अच्छा चल रहा है, खाना वगैरह तो ये है कि सुबह नाश्ता वगैरह तो अभी अंडा वैरायटी चल रहा है इंशाल्लाह। लाल भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे पराठे बना लेते हैं, इन्होंने एक दो दफा मुझे पराठे खिलाए हैं। इंशाल्लाह सिस्टम भी आपका अच्छा चलेगा। और किसी ने भी कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो स्टडी वीजे के लिहाज से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी को गाइडेंस की जरूरत हो तो मेरा चैनल डीजी मेंटर पीके के नाम से यूट्यूब पे, जिसपे पूरी ऑस्ट्रिया स्टडी वीजा की प्लेलिस्ट है, ऐसे ही तो आप वहाँ से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं जो की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उधर गाइडेंस दी हुई है। बजाय इसके आप किसी कंसल्टेंट के पास जाए तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा की आप कंसल्टेंट के पास जाए, आप खुद से ऑस्ट्रिया स्टडी वीजा प्रोसेस कर सकते हैं। एक्चुअली बिलाल भाई मुझे ये लगता है जो कंसल्टेंट है ना वो आपको गाइड तो कर देंगे, लेकिन उसमें इश्यूज ये आते हैं सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि उनके पास जो है ना वो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। वो उनको नहीं, उनको ये नहीं है कि किसी स्टूडेंट की प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट को मीट करता है नहीं करता, उनका बस ये है कि स्टूडेंट आ गया है इसको किसी तरह आपने कन्विंस करके ग्रैब कर लेना और इससे आपने जो उसकी इनिशियल डिपॉजिट है वो ले लेनी है, उसके बाद आपने उसके साथ उसको चलाते जाना है और मतलब उसका टाइम वेस्ट करते हैं। उनके पास स्टूडेंट ज्यादा है और वो फिर उस हिसाब से आपको रिस्पांस नहीं कर पाते जिस हिसाब से उनको करना चाहिए। बेस्ट तो ये आप खुद प्रोसेस करें, कोई मुश्किल नहीं है, जहाँ से आपको गाइडेंस की जरूरत पड़े आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ, और ये है कि आपको यहाँ पे हेल्प आउट करने के लिए बहुत से स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं जो आपकी हेल्प आउट करते हैं। हमें भी सीनियर्स ने बहुत हेल्प आउट किया, बिलाल भाई ने और भी हैं मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स ना जिन्होंने हमें हेल्प आउट किया। और बाकी एक सबसे मेन चीज ये है कि किसी से पूछने से पहले आप खुद रिसर्च करें, आप खुद जो है वो देखें चीजों को कि क्या चीज है उसका क्या बात भी क्वेश्चन होता है पूछ सकते हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो मोस्टली ये करते हैं कि वो खुद नहीं रिसर्च करते, ना वो पढ़ते हैं ना वो खुद देखते हैं, वो बस दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे होते हैं। और यहाँ पे आप ये यकीन माने कि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो एक्स्ट्रा आपको निकाले और आपको दे। अगर कोई आपको कोई एक मिनट या दो मिनट के टाइम पे आपको बता रहा है कोई चीज, तो ये समझ लें कि ये आपकी खुशकिस्मती है कि वो आपको ये टाइम अपना दे रहा है। ये बिल्कुल सही बात है, यूरोप में आके बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं मिलता किसी से बात करने का इतनी लंबी। और इसमें ये नहीं होता कि उसके वो कोई बड़ा हो गया है या ये वो, उस बेचारे को जो है वो टाइम मिलता ही नहीं है, मतलब इतना इसका यहाँ पे बिजी स्केड्यूल होता है कि आप जो वो चाहें भी तो आप टाइम नहीं निकाल सकते। इंशाल्लाह हम अभी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम अपना पूरा ऑस्ट्रिया का स्टडी वीजा प्रोसेस शेयर करेंगे कि बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है, काफी सारे दोस्त पूछते हैं प्रूफ ऑफ फंड कैसे बनाने हैं, उसके अलावा अकोमोडेशन कैसे लेनी है, और भी छोटी छोटी काफी चीजें जो आपको नहीं पता, तो इंशाल्लाह हम इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। ये दुनाव तुरम जो है वो सामने आपको नजर आ रहा है, ये सबसे फेमस है इधर वियना के अंदर, यहाँ पे आप ऊपर जाके वहाँ पे होटलिंग कर सकते हैं और यहाँ से आपको पूरा वियना नजर आता है। बिल्कुल, ये बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है, ये बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। ओके जी, थैंक यू, आफिडाजीन, आफिडाजीन, चाओ चाओ।